ये आज मेरा वीडियो का टाइटल ही है। डालना मत उसको। मेरी मदर ने मेरे को रोका कंटेंट बनाने से। मैं तो आप सब लोगों को यही बोलूंगा कि अल्पेश यादव को वोट करो आप। हेलो एंड वेलकम टू चौंटाउन। तो भैया क्या हाल चाल? तुम्हारा भाई अभी निकल रहा है जिम के लिए, और अभी आप देख लो बच्चे के हैं 7:40। वेडनेसडे, काम वाम कर लिया सुबह से, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली अपनी MBA की, GMAT की, बाकी अब अपना निकल रहा हूँ जिम। ये रहा मेरा भाई। हेलो हेलो। तो आज देखते हैं जिम में क्या करना है, बट जो भी करना है जल्दी करना है क्योंकि आके जाना है डिनर पे। तो फिलहाल जल्दी से जिम निकलते हैं। तो भैया आज फॉर अ चेंज हम ले रहे हैं अपनी Etios यार, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था पिछले व्लॉग में अपना जिम तो पास में ही है, तो उसके लिए पूरी थार क्या उठानी, बड़ी सिरदर्दी है उस गाड़ी को चलाते। वही आपको वैसे एक चीज बताना चाहूंगा कि गाड़ी कम से कम 10 साल पुरानी है और अभी भी मस्त चलती है। मतलब टोयोटा का तो आप सभी मानते होंगे काफी रिलायबल गाड़ियां हैं, तो यार काफी इंप्रेस्ड हूँ और मैं तो काफी खुश हूँ यार। एक टोयोटा की गाड़ी ले लो पूरी जिंदगी चलेगी तुम्हारी। तो भाई अभी जिम आ गए हैं बढ़िया, अभी ट्रेडमिल कर रहे हैं, तो 15 मिनट थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं ट्रेडमिल पे, फिर चलेंगे ऊपर वेट्स वाले फ्लोर पे। भाई शाम को आने का सीन है यार, काफी भीड़ होती है जिम में, आप देख लो क्रेजी भीड़ है। वो हेलो हेलो टू द व्लॉग। भाई आज डिसाइड कर रहा है चेस्ट हिट करूंगा क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, तो अभी स्ट्रेचिंग वेचिंग कर रहा हूँ, पुशअप शस मार के चेस्ट को थोड़ा वार्म अप करके फिर वेट्स उठाएंगे। लेट्स गो। तो भाई इंक्लाइन से कर रहे हैं, ये तो मेरा फाइनल सेट है। सुदीप भैया एक टाइम सेलिब्रिटी यार, मेरा सेट रिकॉर्ड कर दो। वेट कर गया तो खा लेना। ये माय गुरु जी। तो भाई नेक्स्ट कर रहे हैं इंक्लाइन स्मिथ पे। हेलो प्रीत भैया कैसे हो? बढ़िया। तो भाई तीसरी एक्सरसाइज सीटेड फ्लाइज कर रहा हूँ यार, याली तो याली खाली है, इसको करते हैं। तो भाई वो साज के आखिरी एक्सरसाइज है क्योंकि टाइम भी नहीं है, आप देख लो 8:30 हो गए हैं, डिनर के लिए भी जाना है, तो डिक्लाइन बेंच मार रहा हूँ लास्ट। जल्दी निकलना है, चलो 8:40 हो गया। भाई अभी घर आ चुका हूँ यार, अभी तो काफी लेट हो गया मेरे को आने में, 8:50 हो गए, भाई वेट कर रहे हैं, मम्मी वेट कर रही, तो मैं सोच रहा हूँ नहा बाद में लूंगा, अभी बस जल्दी से अपना प्रोटीन पी के डिनर के लिए निकलते हैं। काफ़ी टेस्टी है। हाँ तो भाई डिनर के लिए तो अपनी थार में जा रहे हैं। भाई लोगों को बता तो दे हम कहाँ जा रहे हैं डिनर पे आज? गुलाटीज जा रहे हैं, पंडारा रोड का फेमस है। अच्छा क्या फेमस है मतलब गुलाटीज का, जिनको पता नहीं उनको बता दे। बटर चिकन और दाल मखनी। चलो बढ़िया है, हम दो तो वेज हैं। हेलो मम्मी। हेलो। मम्मी तो वेज हैं, तो हम अपना नॉन वेज मंगा लेंगे, मम्मी अपना वेज मंगा लेंगी। चल लेट्स गो। अब देखो अपनी मम्मी साथ में चल रही है, तो ऑब्वियसली वैसे तो हमेशा मैं आगे बैठता हूँ, मैं और भाई, बड़ा मम्मी है तो मम्मी आगे बैठेंगे और हम जाएंगे पीछे। भाई ये दिक्कत है यार, बट कोई नहीं, बहुत कम पीछे बैठने को मिलता है मेरे को, तो चलता है, पर जब मम्मी हो तो पीछे बैठना ही पड़ेगा चुपचाप। हेलो मम्मी। ओ गाने ऑन, कॉपीराइट अभी कभी आ जाएगा। भाई DT मेगा मॉल आ चुके हैं, अगर आप देख लो ये रहा DT मेगा मॉल और ये रहा गुलाटीज इंडियन फूड, फिर बाहर तो वेटिंग है ऑलरेडी। और चलो भाई तो अभी पार्किंग में गाड़ी लगाने गया उधर कहीं, इतने में जाके नाम वाम लिखवा देते हैं एटलीस्ट। तो यार वेटिंग तो कह रहे हैं 45 मिनट से, इतनी देर कौन वेट करेगा, तो हम देखते हैं कहीं और डिनर करेंगे यार, कभी और टाइम से आ जाएंगे जब इतनी भीड़ ना हो। सो फॉर नाउ बाय बाय गुलाटीज, वापस आएंगे कभी। चलो भाई पीछे घुसने का टाइम आ चुका है फिर से। चलो भाई डेस्टिनेशन 2 पे पहुंच चुके हैं। ओ भाई तुम अभी तुम बहुत खुश रहोगे मम्मी, आज लक्ष्य को पीछे बैठना पड़ा है, आप आगे बैठे हो। चलो भाई हमारी सेकंड डेस्टिनेशन आज की है नवेद्यम। तो ये कार दिखा, नवेद्यम छोड़ो भाई, कोई ड्राइवर तो नहीं बैठा ना इस गाड़ी में,
ये देखो भाई रोड पे किसी का पूरा घर है यार, मल्टीपल घर होंगे लोगों के कुछ तो। बट यार छोड़ो, नवेद्य में यार ये साउथ इंडियन फूड के लिए काफी फेमस है, तो भगवान करे यहाँ पे भी वेटिंग ना हो यार, काफी बिटी हो जाएगी क्या। कुछ नहीं होता, यही है भाई, ये तो क्या ही है। और टाइम आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है यार, टाइम अरे अरे घड़ी जब भी टाइम दिखाओ तब नहीं दिखाती, 9:33 हो गया। मेरा भाई नवेद्य में इसकी एंट्री है, ये फुली साउथ इंडियन जगह है, मतलब फेमस फॉर इट्स साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन ईटिंग पैनोरमा, ये भी भरा पड़ा है भाई। तो भाई ये मेन्यू है हमारा, तो हमने क्या ऑर्डर करा भाई बता दें। हमने डोसे वड़े, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा भाई ऑडियो, डोसा हाँ, वड़ा हाँ, आम पन्ना हाँ। तो खैर भाई मैंने तो अपना प्रोटीन के नाम पे साउथ इंडियन में एक ही पनीर डोसा करा है और साथ में फ्रेश लाइम थोड़ा करी है। डोसा इंडियन रेस्टोरेंट में आके भी उसको प्रोटीन चाहिए भाई, प्रोटीन साउथ इंडियन में कुछ है ही नहीं भाई, सोडा में चिकन डोसा करना चाहिए, चिकन डोसा भाई होता नहीं, पनीर कर दिया। तो भाई डोसा आ गया हमारे भाई का, तो पनीर वाला है ये, बस इस पूरे फूड आइटम में ये प्रोटीन है। बट खैर छोड़ो, ये मम्मी का, ये भाई का है और ये दो बड़े हैं, और अभी ड्रिंक्स आ रही है हमारी। तो भाई डोसे चेंज करवाए थे क्योंकि थोड़े ठंडे थे, बाकी ड्रिंक्स आ गई हैं, फ्रेश लाइम सोडा आ गई अपनी, तो देखा भी भाई आम पन्ना आ गया, बढ़िया है भाई, मज़ा आ गया भाई। बिल भी हमारा रफ्ती कुछ ऐसे 1100 रुपये आया तो हैं। ये देखो मम्मी शर्मा रही है, मम्मी कहती 1100 रुपये मनी बताना दुनिया को, जबकि मैं दुनिया को बताना चाह रहा था कि रीजनेबल रेस्टोरेंट है। आप शर्माओ मत भाई, मेरी मम्मी है, मैं आप सबको बताना चाहूँगा थोड़ी स्टेट है इस मामले में, एक्सपोज एक्सपोज कर दिया ये मेरी, आज मेरा वीडियो का टाइटल है साउथ दिल्ली आंटी एक्सपोज, मेरी मम्मी एक्सपोज कर दिया। मम्मी आपको बताओ, कैमरा को दुनिया को बताओ, आपको शर्म किस बात की है 1100 रुपये का खाने का? डिलीट करने की धमकी दे रहे हो, बताओ यूट्यूब पे सच नहीं डालने दे रही, तुम मेरे को मत डाल, तो खुद को डालने, तुम्हें 1100 रुपये का खाने का दुनिया को क्या बताने की इशू है? मैं बता रहा कि इतना रीजनेबल है कि मेरी ऑडियंस है, मेरे जो 100-150 व्यूअर है वो है। मैं तेरा क्या ओपिनियन है इस चीज पे भाई? मेरा तो ये ओपिनियन है भाई, अपना सच सच ही बताना चाहिए। अब यही हम अपना गुलाटीज में हमारी एंट्री हो जाती और गुलाटीज में खाते हो, हमारा बिल 3-4 हज़ार रुपये का आता, तब मम्मी तब आप शर्माते? गुलाटी को इससे कम समझेगा, गुलाटी नहीं, मेरा पॉइंट आप समझे नहीं। मम्मी तेरे कैमरा पे थप्पड़ मारेंगी अब, वाओ मतलब वाओ कह रहा हूँ वाओ। बट ये मैं जानना चाहता हूँ ये क्या साइकोलॉजी है बड़े लोगों की। बट खैर मम्मी थैंक यू, मम्मी थोड़ी ना डिटेल में एक्सपोज करना चाहिए हर चीज को, डिटेल में एक्सपोज की आदत नहीं है। बट आपने मेरे को कितने बजे खाया, कहाँ खाया, कितने पैसे का खाया, दोस्तों क्या आप एग्री करते हैं? ये आज मेरा वीडियो का टाइटल ही है, डालना मत इसको, मेरी मदर ने मेरे को रोका कंटेंट बनाने से। चलो भाई ड्राइवरों के तेरे पीछे, ड्राइवरों के तेरे पीछे क्या कह रहा हूँ मैं, तो आप सब लोग ये बोलूंगा कि एल्विस यादव को वोट करो आप। भाई सिस्टम तो ये है खराब भाई, गिर गया ना किसी देर पीछे, रिवर्स में गिर जाऊंगा। बैठ जाओ मम्मी, जो कंटेंट बनाने से रोकती है मेरे को, आज भाई वीडियो का टाइटल यही है, मम्मी ने दे दिया कंटेंट मेरे को, मेरी मम्मी ने किया मेरे को डिमोटिवेट अपलोड करने से। बट तेरा मतलब जेन्युइन यही है ना ओपिनियन कि दुनिया को सच बताना चाहिए? बहुत बढ़िया, ये जब आपस में होता है ना, जब कर लिया करो एक काम, मेरे को साथ में मतलब बैठा करो। मम्मी बेसिकली कह रही कि मम्मी के साथ जब भी आए तो बिल मोटा बैठना चाहिए, मम्मी को आज लगा कि हमने सस्ते में खा लिया। भाई मेरे को खुद ही लग रहा था 1500-2000 तो आना चाहिए, मतलब कम है, हमें उसको 400-500 का टिप देनी चाहिए थी मम्मी। मम्मी आपका क्या उस पे ओपिनियन है 400-500 के टिप पे? मम्मी शर्माओ मत कैमरा से, दुनिया सच जानना चाहती है, बताओ उसकी तरह कर रहे हैं। सर्व करने वाले तो बहुत अच्छे से सर्व करते हैं, भाग भाग के सर्विस। पॉइंट ये नहीं है 1100 का बिल दुनिया को क्यों नहीं बताना यार, हर चीज घर की बतानी होती है कि आप हम कब सोके उठे, कब हमने खाया, कब हमने। मम्मी अब ये दिस इज द YouTube लाइफ, YouTube लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूं मैं, मतलब तुम मेरी ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहती है, अच्छे गाने सुनेंगे और घर चलेंगे। थैंक यू मम्मी कंटेंट के लिए, मत डालना मैं तुझे बता रही हूं। कोई मम्मी अब ये ऐसे अब मैं फेम मेरा ये वीडियो फेमस हो गया तो क्या पता मेरा करियर इस वीडियो से बने। एल्विस यादव की सिस्टम, अब समझा मैं यूट्यूबर्स की वीडियोस में उनके पेरेंट्स चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इस लड़के को वैसे कुछ कंटेंट तो मिल नहीं रहा, हमारी टांग खींच लेगा ये। थैंक यू मम्मी, मैं आपको बहुत आभारी हूँ, मेरा आज वीडियो में कुछ मसाला नहीं था,
और आपने मेरे को बहुत बढ़िया मसाला दिया। अंदर ही आएगा क्या? सबसे लड़ाई है हमारी दुनिया में सिस्टम से लड़ाई है। सिस्टम अभी कहाँ जाना है? अगर आपकी सिस्टम से लड़ाई है तो कमेंट करके बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी हो जाएंगे हमारे। बाकी स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। मैं आपके लिए और भी कंटेंट लाता रहूंगा। बाय बाय, गुड नाइट।